ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो हरियाणा में कांग्रेस संगठन निर्माण को लेकर तीसरे दिन बैठक, दिल्ली में लगातार तीसरे दिन बैठक कर रहे हैं दीपक बाबरिया। आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय में आज ऑब्जर्वर के साथ बैठक कर रहे हैं दीपक बाबरिया। तो ये बड़ी खबर, हरियाणा में कांग्रेस संगठन निर्माण को लेकर तीसरे दिन की ये बैठक, दिल्ली में लगातार तीसरे दिन बैठक कर रहे हैं प्रभारी दीपक बाबरिया। कांग्रेस मुख्यालय में आज ऑब्जर्वर्स के साथ ये बैठक हो रही है। पहले से ही जानकारी थी कि ये जो बैठक चलेगी लगातार, उसमें ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि ये काफी अहम है, कांग्रेस संगठन निर्माण को लेकर ये बैठक चल रही है। दीपक बाबरिया ने बैठक को लेकर कहा था कि कांग्रेस में जो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट है उस पर ध्यान दिया जाएगा और उसके आधार पर ही आगे निर्णय लिए जाएंगे। तो तीसरा दिन ये बैठक का। अरुण कौशल दिल्ली से संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। दिल्ली में लगातार बैठक का दौर देखने को मिल रहा है, आज तीसरे दिन की बैठक है दीपक बाबरिया की। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की लगातार पिछले दो दिन से जो मीटिंग चल रही थी, तो आज भी ऑब्जर्वर के साथ जो है मीटिंग थी। जो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है वो आगे पार्टी मुख्य जो कार्यालय है वहां पर उन्होंने रिमोट जो आला हाईकमान है उनको सौंपी है। अब जब देखना होगा कि इस पर क्या नतीजा निकल के आता है, क्योंकि अभी संगठन निर्माण को लेकर भी जो है चर्चा जारी है। तो जल्द ही संगठन बनाने की जो बात है उसको लेकर भी ये बैठक चल रही है। अब देखना ये होगा कि जो रिपोर्ट छोटी जा रही है उसमें क्या कुछ लिखा जा रहा है, क्या नजर आ रहा है। बिल्कुल, और खबर ये भी मिल रही है कि बाबरिया को जो रिपोर्ट सौंपी जा रही है उसमें दो लिस्ट है, कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वर्स की लिस्ट है और सेंट्रल कोऑर्डिनेटर्स की जो लिस्ट है वो अलग अलग भेजी जा रही है। तो किस तरह का माहौल नजर आ रहा है इन बैठकों को लेकर? जी बिल्कुल, जो रिपोर्ट है वो पार्टी हाईकमांड को सौंपी जा रही है, उसमें एक ऑब्जर्वर की जो रिपोर्ट है उसको लेकर है और दूसरा जो है आपको बता रहा हूँ संगठन को लेकर है। क्योंकि जब जो अभी पीछे जो पार्टी में जो देखने को मिला था कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, आपकी जो झड़प इनकी हुई थी, जो नारेबाजी लगी थी, जो उन चीजों को लेकर है वो भी रिपोर्ट जो है वो भी सौंपी जा रही है। दूसरा जो है संगठन के निर्माण को लेकर भी है और पार्टी हाईकमांड के पास ये रिपोर्ट भेजी जा रही है। दीपक बावरिया कुछ जो है इस रिपोर्ट को पहले भी कह चुके हैं, इस पर ध्यान दिया जाएगा और जो है आगे जो निर्णय है वो लिया जाएगा। किस प्रकार जो है आगे पार्टी का जो शीर्ष नेता है वो इस पर क्या निर्णय लेते हैं ये रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो हरियाणा में कांग्रेस संगठन निर्माण को लेकर ये बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हरियाणा संगठन का, हरियाणा कांग्रेस संगठन का एक खाका तैयार हो रहा है। पिछले दिनों ऑब्जर्वर फील्ड पर थे, सेंट्रल कोऑर्डिनेटरों को ये रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन अब ये जो रिपोर्ट है वो सौंपी जा रही है दीपक बाबरिया को, उसके आधार पर ये बैठक चल रही है। आपको बता दें कि आज तीसरा दिन ये बैठक का जो चल रहा है।